ये आप लोग के सामने जो देख रहे हैं ना, ये आदमी ये राजेश भैया जी के कथी सार हैं। आप सार हैं ना? सार हैं। इनका शादी जो हम है ना काली मंदिर में हम ही करवाए थे। तो ये बेचारा शादी के बाद भी स्थिति बड़ा इनका खराब है। तब वो मिला जुला के मानिए कि 1000 रुपया ठगिए लिए थे उस दिन। बड़ा कष्ट में शादी हुआ। मेन विलन देखिए, बात क्या था ना, पैसा और लिया जाता, लेकिन जो उसमें ये जो विलन थे ना राजेश जी, वही आके भाड़ दिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, थोड़ा कम लो, इधर आइए। तो इधर आइए, ठीक है। तो अब तो शादी आपका हो गया, शादी के बाद में कैसा रहा आपका दिन, कैसा गुजर रहा है? एकदम घटिया जा रहा है जी। अभी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ, आपको दिक्कत क्या है बताइए, क्या दिक्कत है? कि हो खत ब्याह तू तब भूल गईलू, राजेश के गोदिया हम झूल गईलू। ऐसन बाबा आपको मिले हैं? शादी ब्याह भी करवा दिए, गाना भी गा रहे हैं, कोई दिक्कत है? मस्त है, मस्त है। तो मैडम चाय तो कहिया हमको आप लेके चल रहे हैं अपना घर पे चाय पिलाने के लिए? चाय पीने के लिए कौन सी बड़ी बात है। मैडम को एक दिन रामपुर में ले आइए, उनको भी गाना एक दो गाना सुना दिया जाएगा कि तुम मैडम, आपके मैडम के लिए वो बस यही शायरी है कि तुम नहीं होती, तुम नहीं थी तो ऐसा होता था, तुम नहीं थी तो वैसा था, कि तुम नहीं होती तो ऐसा होता, तुम नहीं होती तो वैसा होता, लेकिन सच कहें तुम नहीं होती तो माँ कसम है पकड़िया में बहुत पैसा होता। बात सही बना, ब्याह ना भई रहे तो बड़ी पैसा रहे तारा जी, लेकिन ब्याह हो गई सारा पैसा खत्म। तो ब्याह के बाद आदमी आदमी कहलन कि आदमी मोटा लो, लेकिन है देख भयंकर हाल देखो। आई हो दादा कि छिलत तू प्याज सैया मुखियो न भइलो। तो फिर ब्याह हुआ तो फिर ससुराली आप गए कि नहीं गए? ससुराल से? तो मैडम ससुराल में है, तो फिर ससुराल में तो आपका बहुत सेवा मादन हुआ, पहुना आयल थी ने, पहुना आयल थी ने, कुटुम जी आयल थी ने, तो फिर कैसे क्या हुआ? तो ससुराल में गए तो सास क्या बोली आप? सास क्या बोली? कोची क्या कहते कहाँ इधर कम धन करने के लिए यहाँ पता चला था ना कि महान होता। अरे कोई दिक्कत, गांव का आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी लगन चालू होने वाला है, लगन में आप हमारे साथ रहिए। फर्स्ट क्लास के सब आदमी को ठगेंगे और वो कस के पैसा लेके भाग जाएंगे, लाल पियर हरियर घर के मार के, कोई दिक्कत नहीं। और अपने सासू माता से कहिए, तो सासू माता ने आपको क्या क्या बना के खिलाया? सासू माता ने आपको क्या क्या बना के, कौची कौची मिला बना के? तब वो सावन प्याज नहीं मिला होगा, तब वो सेवाए कि बाबू एलथिन है, नया नया कुटुम है थी, तो फिर तो कुछ न कुछ तो मिलो। बस यही सर, वगैरह वगैरह तो फिर बड़ा। तब वो वगैरह वगैरह में कुछ नाम तो बताइए उसका। बता रहे कह रहे हैं सवाए पूरी और। अरे हम अंतरयामी, हम तो बस सही नियम से बता दिए, उस पर आओ कुछ था। तो कितना पूरी खाए आप? तो बात ये हुआ कि भैया पूरी खाए और भैया का पेट थोड़ा सा खराब हो गया, अब 10 से 12 बार भैया बात रूम गए हैं। बात ऐसा ही था, कैमरा में बोलिए, कैमरा का। तो भैया इसीलिए भैया एक बात कह देता नहीं कि ससुरारी जाई है, अब पूरी मिल तो ज्यादा ना खाई है, न तो हाल राजेश भैया का सामियान हो जी। तो देखा होने राजेश भैया के 9 दिन से ना नहाती ने बड़ी बेस्ट प्रोग्राम गान का। ठीक हो, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलवा हम देख ला ध्यान से शादी बात कैसा हाल हो गए बेचारा कुटुम के। कुटुम जी पहुना आती कहाँ घर ससुरारिया हो? कहाँ ससुरारिया हो? ढठेरिया। कुछ नाम हो ससुर जी के? ना बताती ससुर के नाम ना बताती, इनकी ढक लेते तो मारतो, लेकिन कुछ ना मारतो। सास के नाम लेकिन बता दे, सास के नाम बता दे, ससुर के नाम ना बताए न, लेकिन सास के नाम तू बता दे। सास तो बड़ी कहला तुम कि पहुना आई थी ने, पहुना के खी आई वह सूट आई वह, और लाइनवा कटल होता तो ऐसे ऐसे बेनो डुलावे होता तू ना, केवल बाबू के घर मियाँ लग गई ना, हंसा दिन देखा कैसे मुस्की आती। और बाप का